एवरीवन, लेट्स क्रिएट दिस वैलेंटाइन डे लुक। बस यहाँ पे अप्लाई करेंगे पिलग्रिम का ब्राइटनिंग सीरम और ये आपके फेस को इंस्टेंट हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है और अगर आप इसको रेगुलरली नहीं यूज़ करोगे तो फेस के डार्क स्पॉट्स को भी कम कर देता है। देन इसके बाद यूज़ किया है पिलग्रिम का एक ग्लो सीरम क्योंकि वैलेंटाइन डे है तो ग्लो चाहिए और इसके बाद और ज़्यादा ग्लो के लिए यूज़ करो लैक्मे की ये ग्लोइंग क्रीम। और इसके बाद आई लुक को क्रिएट करने के लिए मैंने सबसे पहले अप्लाई कर लिया है ये टेप और लिया है नायका का आई शेडो पैलेट। एक और पैलेट है, इसमें से पिंक शेड उठा के फ्लैट ब्रश की हेल्प से एक विंग लाइनिंग ड्रॉ करेंगे और तब तक उसमें हम कलर इन्फ्यूज़ करते रहेंगे जब तक हमें डिजायरेबल कलर न मिल जाए। उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ उसी पैलेट में से सेम न्यूड शेड और इसके बाद लिया है ये पिंक शेड और इसको भी उसी शेड के ऊपर अप्लाई करेंगे और फिर ले रही हूँ ये शिमर शेड और इसको भी अप्लाई कर देंगे आईलिड्स पे। देन इसके बाद अगर आप चाहो तो इस लुक को ऐसे ही छोड़ सकते हो आईलाइनर मस्कारा और फॉल्स लगा के, लेकिन अगर आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो यहाँ पे मैंने लिया है ये शाइसर पैलेट का बॉडी पिंक शेड और इसको हम अप्लाई करेंगे अपनी फेस लाइन के ऊपर और इससे मैं यहाँ पे फेस टाइप का रिमूव कर दिया मैंने। इसके बाद यहाँ पर मैंने लिया ये पिलोरा पैलेस का काजल अप्लाई कर लिया पिलोरा मैच पैलेट पे और आपको डेप्थ देने के लिए मैं इसको अपर शाइन को भी अप्लाई करूँगी और सेम पैलेट से वही पिंक शेड लेकर फ्लैट ब्रश की हेल्प से इसको स्मोक आउट कर लूँगी। देन उसके बाद यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ग्रीन का मस्कारा और मस्कारे के बाद पैलेट और इसी से मैं अपने फेस पे ब्लश अप्लाई कर लूँगी। देन इसके बाद फेस में लिप्स पे अप्लाई कर लेंगे लिपस्टिक